हाय एवरीवन, की हाल चाल? नमस्कार। रख दो रख दो। हाँ जी, कैसे हो भाई लोग? ऑल इज वेल। हेलो एवरीवन, एक बार देख लेते हैं आवाज कैसी आ रही है और फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे से एक्सरसाइज नहीं होने वाली, आई कैन नॉट एक्सरसाइज, उनके लिए ये है। ये इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो या तो उनकी फिजिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती, या तो उनकी मेडिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती, या वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अति मोटे हैं कि हिल ही नहीं पाते हैं, या वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं मेरे जैसे, जिनको वक्त ही नहीं मिलता है, या फिर फिजिकली, या फिर वो ऑपरेशन हो रखा है, कोई टांग टूटी हुई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते एक्सरसाइज हो ही नहीं पा रही। तो इन सब लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो करना ही नहीं चाहते, जो एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते, उनके लिए क्या जवाब है? क्या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, बहुत ऑब्वियसली। और प्रॉब्लम आती है कि एक्सरसाइज करना एक मेहनत है, एक मेहनत का काम है, और इसीलिए हम भाई हमसे ना हो पाएगा। सो ऐसे माइंडसेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं, आपकी उस बीमारी में एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, आपकी उस फिजिकल कंडीशन में एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है एक्सरसाइज के बेनिफिट्स का। एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, बॉडी में जो बीमारियां हैं, वजन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अनगिनत बीमारियों का आप अपने शरीर से धीरे धीरे करके निवारण करते हैं। और एक्सरसाइज करनी क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, सब हमने अपने कई वीडियोस में समझाया है कि मिनिमम से मिनिमम आप डेढ़ घंटा, 150 मिनट के आसपास, या कुछ नहीं तो डेढ़ घंटा 90 मिनट एक्सरसाइज कर लो, 150 मिनट हफ्ते भर में, ढाई घंटा एक्सरसाइज कर लो मॉडरेट या फिर हाई इंटेंसिटी, डेढ़ घंटा एक्सरसाइज कर लो हफ्ते भर में, उसमें आपका फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज रूटीन पूरा हो जाएगा। तो यहां बात आ रही है कि आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं अलाउ कर रही, मोटापा है, ये है, तो आप क्या करें? देखिए, एक प्रकार की एक्सरसाइज नहीं है, चार प्रकार की एक्सरसाइज है, बल्कि कई प्रकार की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। एक स्ट्रेचिंग के लिए इंसान को, इवन हाथों की स्ट्रेचिंग करना भी एक्सरसाइज है, ये भी एक एक्सरसाइज है, ये भी एक एक्सरसाइज है। आप हाथ की स्ट्रेचिंग, पैर की स्ट्रेचिंग, किसी भी चीज की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। दूसरी एक्सरसाइज होती है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। आप कुर्सी पे अपने आप को बैलेंस करके बैठते हो, दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज। सही पोस्चर में बैठना भी एक एक्सरसाइज है। सो यहां बात आ रही है कि आपका माइंड कैसे उसको एक्नॉलेज करे कि ये एक एक्सरसाइज है, और उसको थोड़ा सा, सिर्फ एक थोड़ा सा चैलेंजिंग करना है, बस वो इंपॉर्टेंट चीज है। बात ये नहीं है कि मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे जिम जाना पड़ेगा, आधा घंटा निकालना है, मुझे 20 मिनट निकालने हैं, मुझे एक घंटा निकालना है, या मैं, यार मेरे पास समय नहीं है, सुबह समय नहीं है, रात को समय नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। यहाँ पॉइंट है कि आप जो ऑलरेडी करते हो, आप जो ऑलरेडी, आप बिस्तर पे ऑलरेडी लेटते हो, आप सोते ऑलरेडी हो, आप खाना ऑलरेडी खाते हो, आप वॉशरूम तक तो ऑलरेडी जाते हो, आप बैठ के कुर्सी से उठते तो ऑलरेडी हो, तो ये सब चीज़ों को चैलेंज कैसे बनाना, उसी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा चैलेंजिंग बना लोगे तो आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में एक्सरसाइज कर लोगे। पहले मान लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, आप एक्सरसाइज ओवरवेट हो, ओबेस हो, एक्सरसाइज करने का ना तो मन करता है, मन भी करता है तो कर नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है कि जो भी वॉक करते हो, जितना भी चलते हो, थोड़ा सा फास्ट चल लो, जितना भी है, और नहीं चल रहे तो चलो, कम से कम वॉक करो, और ये भी नहीं तो वाटर एक्सरसाइज करो, पानी के अंदर स्विमिंग। गर्मी का मौसम है, पानी के अंदर आपका वजन हो जाता है कम, राइट, और आप हो जाते हो हल्के, लिटरली आपको चलने फिरने में आसानी, तो वाटर एक्सरसाइज इज अ गुड ऑप्शन। या डांस कर लो, राइट, कितने भी मोटे हो हिल तो सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत वजन उठा लो, सामान उठा लो, एक किलो की चीज़, मोबाइल उठा के चार पांच एक्सरसाइज कर लो, मतलब एनीथिंग, कोई भी इस चीज़ में वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बॉटल उठा ली, कुछ उठा ली। सो इट्स ऑल अबाउट एक्टिविटी, कीप मूविंग, राइट, जितना मूव होते रहेगा, या तो आप एंड्योरेंस एक्सरसाइज करो, या तो आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करो, बैलेंस करो, फ्लेक्सिबिलिटी करो, ये चार टाइप की एक्सरसाइजेज होती है। तो आपको स्ट्रेंथ के लिए सामान उठाना पड़ेगा,
एंड्योरेंस के लिए वही काम बार बार करना पड़ेगा। मान लो आप लेट के उठ रहे हो, तो आप 4 बार 6 बार 10 बार लेट के उठ गए, दैट्स ऑल्सो एन एक्सरसाइज। आप कुर्सी पे बैठ के खड़े हो रहे हो, आप उसी को एक बार की जगह 10 बार कर लिया 20 बार कर लिया, दैट्स ऑल्सो एन एक्सरसाइज, राइट। आप उसी को धीरे धीरे उठने की कोशिश करो, दैट्स अ चैलेंज, राइट। आप फ्लेक्सिबिलिटी को अपने चैलेंज करो, कोई भी चीज़, पैर से, हाथ को पैर से छूना, या कोई भी एक पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी वाली स्ट्रेचिंग आपने करी, दैट्स ऑल्सो, वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो चैलेंजिंग चीज़ है, आप वो करिए। आप अपने पूरे दिन में कुछ भी टाइम अलग से निकालने की जगह इंडिविजुअल चीज़ में माइंडसेट बनाइए कि मैं फिजिकल एक्टिविटी करने वाला हूँ, उसको मैं चैलेंजिंग कैसे बनाऊँ, आपको समझ में आएगा। आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के ऑफिस टाइम में कुर्सी पे बैठे रहते हो, उस कुर्सी पे बैठे बैठे जब पीठ दुखती है तो दिमाग में ये नहीं आनी चाहिए वो मैं थक गया, माना ये आना चाहिए कि इस वक्त मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अब ऑफिस में कैसे एक्सरसाइज, खड़े हो जाओ, खड़े होकर पीठ सीधी करो और एक वॉक लेकर आओ, एक सीधा वॉक लेके आओ, सीढ़ी देख लो, सीढ़ी चढ़ के उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नो बिग डील, बट दैट्स एन एक्सरसाइज। सो मोटे हो या नहीं कर पा रहे, बिजी हो, उसको तो एक्सक्यूज बेकार है, क्योंकि आपका सिर्फ माइंडसेट चाहिए, एक इनिशिएटिव चाहिए, बस। बात आती है कि आपका मान लीजिए घुटने खराब है, ओल्ड एज है, बीमारी इतनी है कि चला नहीं जाता, घुटने खराब है, ये घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है। नंबर वन रीज़न लोगों के एक्सरसाइज नहीं करने का एक उम्र के बाद यही आता है कि मेरे घुटनों में दर्द होता, मैं क्या करूं। तो घुटनों में दर्द है, ठीक है, आप चल नहीं सकते हो, आप स्क्वाट नहीं कर सकते हो, आप पैर पालकी मार के नहीं बैठ सकते हो, आप लेट तो सकते हो, आप बैठ तो सकते हो, आप लेटे लेटे पैर ऊपर कर सकते हो, पैर ऊपर करके साइकिल चला सकते हो, बैठे बैठे हाथ की एक्सरसाइज कर सकते हो, उल्टा लेट सकते हो, उल्टा लेट के हाथ से अपने आप को सिर्फ बॉडी को ऊपर नीचे पुश कर सकते हो। सो एक्सरसाइजेस बहुत हैं, लिटरली बहुत है, और ये भी एक्सरसाइज है, मतलब ये क्या एक्सरसाइज है, ये भी एक्सरसाइज है, जी हाँ। आपको बॉडी को मूव रखना है, कुछ भी, कैसे भी आप अपने बॉडी को मूविंग रखेंगे और उस पर्टिकुलर मूवमेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे, वो एक्सरसाइज है। यहाँ पर बात बॉडी बिल्डिंग की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है जो एक्सरसाइज आपको फिट रखे, जो आपको हेल्दी रखे, आपकी मसल्स को लिटरली सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना, सिर्फ मसल्स को बैठे बैठे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज। आपके अगर डोले शोले हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन करने भर से और नॉर्मल प्रोटीन की मात्रा लेने भर से मेंटेन रहेंगे, इवन इफ अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। सो ये बड़ी बात है, एक्सरसाइज नहीं कर पाना एक कमजोरी है, वो वीकनेस है, सिर्फ वो मानसिक चीज़ है, वो फिजिकल चीज़ नहीं है। फिजिकल इनएक्टिविटी, जब बेड पे सीधे लेटे हैं, बहुत बीमार है, तो कुछ दिन तक रहेगी, कुछ महीनों तक रह सकती है, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। सो इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्यों एक्सरसाइज नहीं करनी या क्यों नहीं कर पा रहे, क्या अकेले एक्सरसाइज करनी चाहिए या ग्रुप में करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, जैसे करना है, जैसा आप इंजॉय करते हो वैसे करो, कोई इक्विपमेंट, कोई कपड़े, कोई जिम की आवश्यकता नहीं है, टाइम निकालना कोई टेंशन नहीं है, सुबह निकलता, रात को निकलता, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक फिटनेस की बात है, वॉक करना है खाना खाने के बाद, करते हो ना, दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज। लोग कहते हैं खाना के बाद में एक्सरसाइज, मेरे को टाइम खाने के बाद मिलता है लेकिन मैं खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज की फॉर्म बदलती है। आप उसमें एंड्योरेंस एक्सरसाइज करिए, उसमें एग्रेसिव लिफ्टिंग नहीं करेंगे, दैट इज द आइडिया, राइट। कई सारे लोग हैं जो एक उम्र के बाद अपनी फिजिकल एबिलिटी को चलते, उम्र के चलते एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। बंद मत करिए, एक्सरसाइज चेंज करिए, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी चेंज करिए, एक्सरसाइज का तरीका चेंज करिए, लेकिन बॉडी को मूव करते रहना है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट बात है एक्सरसाइज की। अब थोड़े सवाल ले लेते हैं, सवाल और जवाब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दुनिया में, और पहले देख लेते हैं कोई सवाल आया है। 14 में कब आया था भाई, टॉप लाइव चैट, प्रणव चाल, आई फील इंटरमीडियंट फास्टिंग फिट्स माई लाइफ स्टाइल वेल, आई फास्ट फॉर 14 आवर्स एंड हैव लंच एंड प्रोटीन शेक एंड डिनर इन द रेस्ट ऑफ 10 आवर्स, इज स्किपिंग ब्रेकफास्ट ओके, हाउ मेनी कार्ब शुड आई गेट फॉर फैट लॉस इन 57 kg। सी ऐसा है प्रणव जी, नंबर वन इंटरमीटेंट लाइफस्टाइल में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से रिस्क होते हैं अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए और आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का रिस्क होता है, बस, और कोई ज़्यादा मेजर रिस्क नहीं होता। गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का रिस्क सिर्फ 30% होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता कि हाँ 100% बन ही जाएगा, लेकिन है, रिस्क है। तो इंटरमीटेंट फास्टिंग अपने आप में
बेस्ट ऑप्शन नहीं है, मगर आपको फिट होता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। वही एक नंबर वन रीज़न है जिसकी वजह से वो चल रहा है, बिकॉज वो लोग आसानी से कर पाते हैं, यस कर लेते हैं, राइट। नंबर सेकंड, जो आपने सवाल पूछा कितने कार्ब्स खाने हैं, तो कार्ब्स का कोई एग्जैक्ट ये नहीं है, कार्ब्स का रेशियो ज़रूर है 1:1 और 1:2, यानी अगर जितना प्रोटीन खा रहे हो या तो उतना या उससे डबल, उसके बीच में ही कार्ब्स खाना है, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं अगर आपको वेट लॉस करना है तो। हेलो इजैक्यूलेशन, और उसको समझने के लिए आप साइंस ऑफ न्यूट्रिशन का वीडियो देखो डॉक्टर एजुकेशन चैनल के, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे। हेलो इजैक्यूलेशन के कितने आवर्स में स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स में फिल हो जाते हैं, ये कोई धीरे धीरे भरती है या टंकी कितने टाइम में भरती है तुम्हारे छत में, वो कैसे बताओगे तुम? 15 मिनट में टंकी भर जाती है, हर रोज़ नहीं भरेगी, जिस दिन स्पीड में आएगा उस दिन ही, हर रोज़ अलग तरीके से आता है ना पानी, कभी फोर्स में आता है कभी धीरे आता है, सेम आपकी बॉडी का है, कभी बॉडी अच्छे काम करती कभी नहीं करती, सो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। हर एक और उम्र के हिसाब से, जवान आदमी में फटक से भर जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी धीरे भरेगा, तो आपकी उम्र, आपकी फिजिकल कंडीशन, आपके अंदर कितना प्रोटीन है, आपके डेली बेसिस पे आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, इन सब पे डिपेंड करेगा भाई साहब, ये सवाल का जवाब। आवर्स प्रेगनेंसी, बस बस, एक आदमी तीन तीन सवाल क्यों पूछ लेता है, समझ नहीं आता। एनीवेज, आई एम स्किपिंग द रेस्ट क्वेश्चंस, आपको एक सवाल पूछना है, हाउ टू प्रिवेंट मसल लॉस ऑन अ कट एंड हाउ मेनी कार्ब्स डू यू हैव ड्यूरिंग बॉडी रिकम्पोजिशन, हाउ टू प्रिवेंट मसल लॉस ऑन अ कट एंड हाउ मेनी कार्ब्स डू यू हैव ड्यूरिंग बॉडी। प्रणव जी, एक आदमी एक सवाल, मैंने अभी आपका सवाल दे चुका हूँ। ऑल राइट सर, व्हाट क्योर फॉर एंजाइटी GAD? द क्योर इज एक्सरसाइज एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल, राइट। बाकी सारी चीज़ें एंटी एनजाइटी मेडिसिन ये वो टेम्पररी चीज़ें हैं, मेन क्योर इज एक्सरसाइज, राइट। एंड दैट्स व्हाट स्टिमुलेट्स आपके हॉर्मोन्स, जो मैंने अभी कम्युनिटी सेक्शंस में हॉर्मोन्स बताए थे कुछ, एंडोरफिन्स, डोपामिन, वो सब देखो उसको जाके, अच्छा है वो वाला। चेस्ट पेन नहीं जाता, नहीं जा, TMT नॉर्मल प्लीज़ बता दें, एज 23 है, हार्ट अटैक नहीं आने वाला, आप नहीं मरने वाले, आपको मस्क्यूलोस्केलेटल पेन है, उसके 100 कारण हो सकते हैं मगर हार्ट नहीं है, TMT नॉर्मल है तो हार्ट अटैक नहीं आने वाला, मरोगे नहीं, एंजाइटी घबराहट को छोड़ दो मेरे भाई। क्या नाम है तुम्हारा? रजाक, ठीक है, वही सबसे बड़ी डर होता है जिसके चलते तुम डर में जी रहे हो, और कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन ठीक करो, मस्कुलोस्केलेटल, विटामिन डी वाला वीडियो देखो मेरा, पानी वाला वीडियो देखो, वाटर बाय डॉक्टर एजुकेशन, और उसको फॉलो करो। रोहन सर, एनी डाइट रिकमेंडेशन फॉर जॉकिक एंड रिंग वर्म? जॉकिच और रिंग वर्म पर डाइट नहीं काम करती मेरे दोस्त, उस पर एंटी फंगल दवाएं काम करती है, उस पर आपका स्किन केयर रूटीन काम करता है, स्किन को, चमड़ी को ड्राई रखना काम करता है स्किन केयर रूटीन, डाइट का कोई काम नहीं, खास काम नहीं, खास इसलिए क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर वीक है, मान लो आप खाने नहीं खाते, कमज़ोर हो, एकदम लकड़ी बन गए हो, तो इस लकड़ी शरीर पे इम्यूनिटी वीक पे फंगल इन्फेक्शन आसानी से हो जाएंगे, तब आएगा बात कि कम से कम नॉर्मल डाइट तो लो, तो नॉर्मल डाइट चाहिए, कोई स्पेशल डाइट नहीं चाहिए। ऑलराइट, फिर एक्सरसाइज टू लूज वेट फास्ट, नाउ लूजिंग वेट फास्ट इज रॉन्ग, इफ़ यू लूज वेट मोर देन 1 kg इन अ वीक, 1 kg से ज़्यादा एक हफ्ते में वजन कम कर रहे हैं, तो अननेसेसरी अपने किडनी और लिवर पे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, इतना स्ट्रेस लिवर किडनी पे डालते हुए, अगर आपकी लिवर किडनी नॉर्मल है तो ख़राब होना शुरू हो सकती है उम्र के साथ, सो उस पर स्ट्रेस मत डालो, और प्लस जल्दी से लूज वेट करोगे तो स्किन लटक जाएगी, फिर बोलोगे अरे स्किन लटक गई, फिर बोलोगे अरे बाल झड़ गए, अरे 1000 प्रॉब्लम आएंगे, लूजिंग वेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ लाइफ स्टाइल। पहली से 10वीं तक की पढ़ाई कोई पहली क्लास में नहीं कर सकता, राइट। पूरे 6 साल का MBBS कोर्स कोई 6 महीने के क्रैश कोर्स में नहीं कर सकता, राइट। सेम वे आप अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए कि मैं बहुत जल्दी वजन लूज करना है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वो सिर्फ वाटर वेट होता है, और वाटर वेट लूज करना डिहाइड्रेशन के बराबर है, जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक है, उसके ऊपर अभी हमारे इस पे वाटर की इम्पोर्टेंस जो एक वीडियो हमने डाला है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे, द फॉरगॉटन मैक्रो पानी, वो जाके देखिए। सन एलर्जी नहीं है आपको, सेंसिटिव स्किन है, सन से सबको एलर्जी है, कोई भी धूप में जाएगा तो जल्दी या बाद में सबको एलर्जी होगी भाई साहब,
सबको एलर्जी होगी, आपकी सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव स्किन की स्किन केयर ज़्यादा बेहतर होती है। आप जाके स्किन केयर रूटीन देखिए, अपनी स्किन केयर रूटीन मॉडिफाई करिए डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, उसके लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले सकते हो। राइट, राइट हिप पेन कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। हिप जॉइंट पेन नंबर वन रीजन ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक बोन्स, वीक बोन्स या विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। थर्ड पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। फोर्थ खून की कमी। तो टेस्ट कराओ, टेस्ट टेस्ट, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाओ। शाहरुख फतेह खान, पेट कम कैसे करें? ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, मिस्टर शाहरुख खान, शायद आप ही का सवाल नहीं, आपका नहीं था। पेट कम करने के लिए आपको कार्ब्स कम करने पड़ेंगे। पूरे बॉडी के अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं आपके, हर एक इंसान के। आपको स्वीट्स बंद करने पड़ेंगे, मीठा कम खाना पड़ेगा, रोटी कम खानी पड़ेगी, अनाज कम खाना पड़ेगा। और क्या खाना ज़्यादा? सब्जियाँ दबा के खाओ, वेजिटेबल सैलेड दबा के खाओ, फ्रूट्स खाओ थोड़े बहुत, और दूध पियो डबल टोन दूध। उसके लिए मेरा साइंस ऑफ एक्सरसाइज जाके देखो, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जाके देखो, सब डिटेल में विस्तार में डाइट भी समझाइए। A lot of palpitation, all tests are normal. All tests normal with palpitation is pure anxiety. Pure anxiety. Anxiety के लिए anxiety by doctor education वाला वीडियो देखो। DBT रहता है chest, दबता रहता है, दबता रहता है, कुछ बता रखा मैंने आपको, normal है। डॉक्टर मेरी एज 24 हो गई है और अभी भी मुझे beard नहीं आई और कमज़ोर भी हूँ। नंबर वन, कमज़ोर हो भैया पहले वज़न बढ़ाओ, टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराओ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से जाके मिलो। समटाइम्स योर हार्मोन्स डोंट किक इन, आपके अंदर हार्मोन्स नहीं बन रहे, हो सकता है वैसा, तो टेस्ट कराने पड़ेंगे। राइट, 24 साल की उम्र में आनी चाहिए, है ना, प्लस कमज़ोरी हो तो दैट सेज कि हार्मोनल डेफिशिएंसीज हैं आपको। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की वीडियो बना देंगे, बना देंगे, ठीक है। थैंक यू फिटनेस जी, आई हैव 109 प्लेटलेट्स, मुझे मेडिकल टेस्ट देना है पुलिस में 18 को, क्या वो पास करेंगे मुझे या फेल? देखिए अभी हमने ना फ्यूचर प्रिडिक्शन शुरू नहीं किया है, वरना हम ऐसे पेपर निकाल के बोलते हो पास, मुझे क्या पता वो क्या करेंगे, ये क्या सवाल हुआ उनके 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 क्या क्राइटेरिया है, दिस इज वो बताएंगे ना। राइट, ऑल राइट, थैंक यू यानी फिटनेस एंड थैंक यू फॉर द टाइम। ओके, फिर क्या सवाल है? हाई सर, चेस्ट पिन विथ लेफ्ट हैंड पेन, टीथ पेन, आपसे ट्रीटमेंट करवाया था, सब रिपोर्ट नेगेटिव थी, अभी सेम प्रॉब्लम है, प्लीज़ एडवाइस। चेस्ट पेन विथ लेफ्ट हैंड पेन, टीथ पेन, टीथ पेन भी है भैया, पानी पी रहे हो सही से? ये तो फिर हर जगह पेन हो रहा है, चेस्ट, लेफ्ट हैंड, दांत में विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। और मेरे से ट्रीटमेंट कराया तो विटामिन तो फिर मैंने दिया होगा, खाए है कि नहीं खाए ये बताओ, और पानी सही से पिया, डाइट भी बताई होगी, डाइट सही से किया कि नहीं किया ये बताओ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो और टेस्ट करने पड़ेंगे, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके लिए फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है, वेरी सिंपल। थैंक यू फॉर द टाइम। राइट सर, ये क्या है? आईज़ के नीचे 2 टक्के आए हैं, 2 टक्के आए थे, उन्होंने 5 मंथ हो गए, उन्हें हटाने के लिए डॉक्टर ने स्किन कट करके सर्जरी कर रहा है। बाप रे, ये क्या नया चीज़ है? टक्के ना, टक्के टक्के टाके टक्के, आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज़, ये तो देख के समझ में आएगा अनूप जी, टक्के है कि टाके है कि क्या है। सर्जरी कर रहे हैं तो वो फिर सर्जन या स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, वो बताएंगे आपको कि वो सही है या गलत है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अगेन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो देख के बताना पाएंगे, मुझे पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है टक्के टाके। राइट, मेडिकल पॉइंट, मेडिकल डायग्नोसिस क्या था, आई हैव नो आइडिया, सो हाउ कैन आई से। सर मेरी बेली फैट कम नहीं हो रही है, कुछ बताएं जिससे कि कम हो जाए। एम कुमार जी, कुछ बताएं, पता नहीं लोगों को इजी तरीके ही ढूंढ रहे हैं, सब दुनिया भर के लोग इजी तरीका ढूंढ रहे हैं, क्या करोगे? मतलब एक ऐसा उल्टा सीधा काम करो, पानी को एक एक गर्म करके उसमें काली मिर्च डालो और नींबू डालो और ये डालो और वो डालो और फिर पी जाओ, ऐसा कुछ भी बता देते हैं लोग तुमको और तुम खुश हो जाओ, चलो कुछ तो मिल गया। भाई ऐसे नहीं होता वजन कम यार, बेवकूफ हो क्या? मतलब लिटरली ऐसी चीज़ें तरीके ढूंढ रहे हो कि ये काम कर ले थी, वो काम कर ले, इतना टाइम वेस्ट, रेदर देन दैट सही जो तरीका है उसको समझ लो ना, थोड़ा नॉलेज ले लो, आप पतले हो जाओगे भी कोई बड़ी बात नहीं है। साइंस ऑफ एक्सरसाइज जाके देखो, वेट लॉस के इतने वीडियोज जाके देखो, फिर बोलो कोई डाउट है तो। माइल्ड हेपेटोमेगैली एंट्रन गैस्ट्राइटिस, सुधार होने की सोल्यूशन दीजिए, और मेरे नो नेक की बीमारी है,
मेरे नो नेक नो नीक नो नीक नो नीक क्या होता है? देखो माइल्ड हेपेटोमेगैली के कारण ढूंढना होगा कि लीवर में सूजन क्यों है. एंट्रल गैस्ट्राइटिस मतलब पेट में गैस्ट्राइट, गैस्ट्राइटिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी वो जाके देखिए और उस पर काम करना शुरू करिए. अभी मैं जाके लाइव चैट सुपर चैट के वीडियो सवाल ले रहा हूँ. अगेन पीपल आर आस्किंग मी मेडिकेशन. मेडिकेशन मैं लाइव नहीं बता सकता, मैंने वीडियो में बताई है. तो वीडियो में मैं नाम बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ कि हाँ ये वाली मेडिकेशन दी जाती है, वो वाली दी जाती है, आपको कौन सी देनी है. ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ये एजुकेशन हो रहा है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. सर ये स्पिरुलिना क्या है? मनीष जी स्पिरुलिना एक प्रोटीन पाउडर होता है, वो एक हाई बेसिकली हाई प्रोटीन पाउडर है. उसका मेन आइडिया ये है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता तो लंबा चलता है. तो इसलिए वो ऐसे जगह पे लोग लेके जा सकते हैं जहाँ पर खाना नहीं मिलता लंबे, जैसे कि स्पेस में. स्पेस में जब लंबे 6-6, 8-8 महीने साल साल दो दो साल के लिए लोग जा रहे हैं जहाँ उनको अच्छा हाई प्रोटीन चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो वो स्पिरुलिना ले जाते हैं ताकि वहाँ पे उनको प्रोटीन मिल सके. तो ये वो चीज़ है, वो एक सप्लीमेंट है और कुछ नहीं है. सर क्रिएटिनिन 8.4 कैसे कम करें एज 64? क्रिएटिनिन 8.4 और कुछ मत सोचो, जाके डायलिसिस कराओ. और कोई तरीका नहीं होगा 8.4 पे कम करने का. कृपया डोंट वेस्ट टाइम, डायलिसिस करो. ओके डेन 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 सर बैम्बू स्पाइन की वजह से एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है, हो रहा है. अगेन देखो एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं हो रहा है, कुछ प्रकार की एक्सरसाइज करना मुश्किल हो रहा है. ठीक है, हर प्रकार की एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं है आपके लिए. आपको एक्सरसाइज करनी है फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके कि मेरे लिए कौन सी एक्सरसाइज बेटर है. ना बैम्बू स्पाइन है, थोड़ी सी आपकी स्पाइन टेढ़ी, मान लो कोई भी तरीका है स्पाइन टेढ़ी है, यहाँ पर मसल ज़्यादा एक्टिव हैं, पीछे की मसल ज़्यादा, तो आप अगर पीछे की मसल्स को थोड़ा स्ट्रांग कर लोगे तो थोड़ा सा उस पर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी स्ट्रेटनेस भी बढ़ जाएगी. सेम कॉन्सेप्ट जाता है जो लोग जिस लोगों को स्कोलियोसिस काइफोसिस है, पर वो ऐसा नहीं है कि एकदम स्पाइन पूरी काइफोसिस स्कोलियोसिस में ऐसी ऐसी टेढ़ी स्पाइन और सिर्फ एक्सरसाइज करने से वो सीधी हो जाएगी, वो नहीं होने वाला. राइट, लेकिन आपको भी समझना है कि किस चीज़ से हेल्प होगी किससे नहीं. सजल रॉय कहते हैं थ्रोट पेन नवंबर लैरिंग्स एंडोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल. लैरिंग्स एंडोस्कोपी थ्रोट पेन है, एंडोस्कोपी नॉर्मल है तो थ्रोट पेन, थ्रोट में ENT को दिखाना पड़ेगा आपको. अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल, एंडोस्कोपी क्यों करा ली? एंडोस्कोपी तो पूरा नीचे तक वहाँ तक, वैसे थ्रोट में भी एंडोस्कोपी होती है. अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, थ्रोट में पेन हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, क्योंकि एंडोस्कोपी से तो सिर्फ म्यूकोसा दिखेगा, मतलब बाहर बाहर का दिखेगा. जैसे मान लो मेरे को ये हाथ नॉर्मल लेकिन हाथ में दर्द हो रहा है, तो हाथ में दर्द अंदर से हो सकता है, नसों का, खून की नसों का, इलेक्ट्रिकल नसों का. सो थ्रोट पेन भी आपका न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल पेन विटामिन डेफिशिएंसी से हो सकता है, या फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से थ्रोट पेन हो सकता है. इवन समटाइम्स हार्ट के पेन, हार्ट का पेन थ्रोट में भी जा सकता है, बट दैट हैज वो अलग सिम्टम्स होंगे, उसमें और भी सिम्टम्स होंगे. राइट, सो अगेन इट नीड्स फर्दर इवेल्युएशन. फिर एक्सरसाइज करते वक्त सांस फूलता है और डिजीनेस, अरे यार, और डिजीनेस होने लगता है और पीठ के नीचे मीठा सा दर्द होता है. गेमिंग जी अगर ऐसा होता है तो आपको हार्ट का चेकअप कराना पड़ेगा. मतलब बेसिक चीज़ है कि आपकी मसल्स को, आपके बॉडी को, आपके हार्ट को उतनी एनर्जी, उतनी ऑक्सीजन उतने लेवल पे नहीं मिल रही जितनी रिक्वायरमेंट होती है एक्सरसाइज के दौरान. या तो आपका हार्ट कमज़ोर है, या सांस में फेफड़ों में प्रॉब्लम है सिगरेट बीड़ी तंबाकू के वजह से, या फिर लंग बीमारी है कोई अस्थमा COPD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, या फिर खून में ही ऑक्सीजन की यानी RBCs अनीमिया खून की कमी. तो ये सारी में से कौन सी चीज़ है आपके केस में वो ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए टेस्ट कराने पड़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ टेस्ट्स. ठीक, हार्ट के, ब्लड के, ये कराइए आप. सो ये भी बात दोस्तों, थैंक यू सो मच. आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है. देखो प्रॉब्लम ये है कि आप में से आधे लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही तो कुछ भी मत करो, ये गलत अप्रोच है. राइट, मतलब मुझे खुद को जिम गए सालों हो गए हैं, लिटरली सालों हो गए हैं. यहीं वहीं मेरे घर पे जो पीछे छोटा मोटा जिम बना है वो भी मैं रोज़ नहीं कर पाता, रोज़ के हफ्ते में कितने हफ्ते नहीं कर पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता. दैट डज नॉट मीन कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप फिट नहीं रह सकते, आपको बहाने ढूंढने होंगे, तब आपके आपका उद्देश्य तब पूरा होगा. ठीक, सो सर्च फॉर वेज टू एक्सरसाइज एंड सी यू टुमारो.
बाय। और जितने लोग आज के वीडियो लेके हिंदी में बनाओ हिंदी में बनाओ, आएगा आएगा आपका हिंदी वीडियो आएगा, मुझे पता है, डोंट वरी, सबके लिए आता है हिंदी वीडियो, आते ही है यार, क्या है तुम इतना वो हो रहे हो, क्या बोलते हो उसको, उतावले। चलो आता हूँ फिर, बाय।